जय पीरां दी दोस्तों, अज असी जिहड़ी तुहानू कहानी दसांगे इहदे विचों तुहानू बहुत ही कम दीआं गल्लां मिलणगीआं। सो हथ जोड़ के बेनती है इस वीडियो नू पूरा जरूर देखियो। साध संगत जी, एक परिवार दे विच एक माँ अते उहदा पुत दोवें जणे ही रिहा करदे सन। उस माँ दा जिहड़ा पुत सी उह शराबी अते कबाबी सी, जिन्हें सारी जिंदगी ही अपने पीरों मुरशद दा, अपने अल्लाह पाक दा नाम कदे भी नहीं लिया सी। उन्हें अपनी सारी जिंदगी ही बुरे काम बुराइयां करदिआं शराब पींदिआं ही गुजारी सी। पर उस लड़के दी माँ ओ मुरशद वाली सी, उन्हें अपने जिंदगी विच अपना मुरशद बनाया सी ते अल्लाह पाक ते अपनी सच्ची सुची ईमान रख्या होया सी। पर ओ लड़का अपनी जिंदगी विच कदे भी उन्हें अपने पीरो मुरशद नू अल्लाह पाक नू अपने गुरु नू कदी सजदा नहीं सी कीता। बस सारी जिंदगी उहदी बुराइयां विच ही नंगी सी। शराब पींदिआं पींदिआं उहदी इन्नी ज़्यादा माड़ी हालत हो गई कि वह मरन किनारे ते आ गया। एक दिन जदों उस लड़के नू पता लगा कि मैं हुण ज़्यादा देर जिउंदा नहीं रह सकदा, तो वह अपनी माँ दे कोल गया ते अपनी माँ दे गोदी विच अपना सिर रख के वो अपनी माँ नूं कहण लगा कि माँ, मैं सारी जिंदगी अपनी बुराइयां विच ही कढ दित्ती, शराब पींदिआं माड़े काम करदिआं ही सारी जिंदगी गुजार दित्ती आ। मैं कदी भी अल्लाह पाक अगे सजदा सलाम नहीं कीता, उहदा नाम नहीं लिया, ते हुण मैनूं डर लगदा है कि मैं जन्नत विच जावांगा कि दोजख विच जावांगा, मैनूं बहुत डर लगदा है। वह लड़का रोंदा रोंदा अपनी माँ नूं कहण लगा कि माँ, जदों मैं मर जावां ते मेरा जनाजा नवाज़ तू अपने मुरशद तों पढ़ावीं ता जो मैनूं जन्नत विच जगह मिल सके। तां उहदी माँ रोंदी रोंदी उस लड़के नूं कहण लगी कि पुत्तरा, मैं तैनूं किन्ना समझांदी रही पर तू मेरी एक गल ना मन्नी, ते हुण तू मरन किनारे पिया है, पर मैं तेरी आखरी इच्छा जरूर पूरी करन दी कोशिश करांगी। ते ओ माँ अपने पीरो मुरशद कोल गई ते जाके कहण लगी कि मेरा लड़का मरन किनारे ते पिया है, ते ओदी आखरी इच्छा है कि तुसी ओदा नवाज़े जनाजा पढ़ाओ। तां उन्हां दे मुरशद कहण लगे कि उन्हें अपनी सारी जिंदगी विच कदे भी अल्लाह पाक अगे सजदा नहीं कीता, कदे रब दा नाम नहीं लिया, ते मैं ओदा जनाजा नवाज़ नहीं पढ़ा सकदा, मैं ओदा जनाजा नहीं पढ़ सकदा। ओ माँ उत्थों रोंदी रोंदी अपने पुत्र कोल आ गई ते दोबारा उहदा सिर अपनी गोदी विच रख के कहण लगी कि पुत्र, मेरे मुरशद ने मैनू कहा है कि तू सारी जिंदगी उस अल्लाह पाक अगे सजदा नहीं कीता ते ओ तेरा जनाजा नहीं पढ़ा सकदे आ। ते ओ लड़का रोंदा रोंदा अपनी माँ नू कहण लगा कि माँ, एक गल तू एक मिनट लई सोच कि जेकर तेरा अल्लाह पाक तैनू एक पल लई कह दे कि तू अपने पुत्र नू जन्नत विच भेजना चाहती तां जन्नत विच भेज दे, जे तू इहनू दोजख च भेजना चाहती आ तां दोजख विच भेज दे, जे तेरा अल्लाह पाक तैनू इन्नी मोहलत दे दे तां तू की करेंगी। तां उस लड़के दी माँ कहण लगी कि पुत्र, मैं बिना कुछ सोचिआ तैनू जन्नत दा दरवाजा खोल के अंदर कर दवांगी, क्योंकि हर माँ का यह सुपना हुंदा है कि उहदा सारा परिवार जन्नत विच वास करे, ते मैं बिना सोचे समझे ही जे अल्लाह पाक मैनू इन्नी छुट्टी दिंदा है तां मैं तैनू जन्नत विच भेज दवांगी। तां उह लड़का कहण लगा, माँ, ये अल्लाह पाक दीआं रहमतां ज्यादे हन जां मेरीआं बुराइयां ज्यादे हन? तां उहदी माँ कहण लगी, अल्लाह पाक दीआं रहमतां ज्यादे हन। वह लड़का कहण लगा, माँ, मैं सुनिया सी कि अल्लाह पाक 10 मावां जिन्ना प्यार करता है, तू मेरी एक माँ होके मेरिया बुराइयां नू एक पासे करके मैनू जन्नत विच भेजना चाहुंदी आं, ते वह अल्लाह पाक वह मेरा पीरो मुरशद तां 10 मावां जिन्ना प्यार करता है, वह मैनू दोजख विच किवें भेज सकता है, किवें मेरिया बुराइयां नू वह अगे रख सकता है? ते वह इन्नी गल कह के लड़का उच्ची उच्ची रोण लग पिया। उहदे दिल ते सट बजी, हौली हौली दिल दी मैल धो होण लग पई ते उहने आखरी वक्त
अपने नूं अल्लाह पाक दे पनाह विच दे दिता ते अखां दे विचों सच्चे मोती किरण लग पए। गल्लां करदिआं करदिआं उस लड़के की मौत हो गई। उधरों ओ माँ उहदी लाश कोल बैठी रोंदी करलाउंदी आ ते इन्ने चिर उधर दरवाजा खड़किआ। जदों उस माँ ने दरवाजा खोलिया तां की देखदी आ कि बाहर उहदे पीरो मुरशद खड़े हन। तां ओ माँ कहण लगी कि तुसीं तां मैनूं जवाब दे दित्ता सी उधर मेरा लड़का पूरा हो गया है ते तुसीं मैनूं उहदा जनाजा पढ़ने तों जवाब दे दित्ता सी ते तुसीं हुण इस समय किदां आ गए ते तुहानूं किदां पता लग गया मेरे पुत्तर दी मौत हो चुकी आ। तां उहदे पीरो मुरशद कहण लगे कि मैनूं अल्लाह पाक दा हुक्म होया है कि तुसीं इत्थे सुते पए हो, जाओ उधर मेरा यार इस दुनिया नूं छड्ड के मेरे कोल आ गया है, जाओ जाके उहदा जनाजा पढ़ाओ ते मैं अल्लाह पाक दे हुक्म दे नाल तेरे पुत्त दा जनाजा पढ़ाउण आया हाँ। सो साध संगत जी, इहदे विच बहुत वड्डा राज लुकिया होया है कि जे आपां इक पल भी सच्चे दिलों निर्मल हो के एक मन एक चित दे नाल जे आपां अपने पीरो मुरशद नूं अल्लाह पाक नूं अपने गुरु नूं रब नूं ध्याउंदे आ तां साडे कीते होए गुनाह माफ हो सकदे आ। पर दिल सच्चा ते मन दे विच तौबा सच्ची होनी चाहीदी आ। जे ये दोने तिने चीज़ां सच्चियां हो जाण तां सानूं आखरी समय भी जन्नत नसीब हो सकती आ। सो अपनी जिंदगी दे विच कामकार तां नहीं मुकणे हन, सो समा कढ़ के अपने रब अपने पीरो मुरशद अपने गुरु दा नाम जरूर लिया करो, नाम सिमरन जरूर करया करो, सजदा सलाम जरूर करया करो तां जो आखरी समय वो साडे नाल सहाई हो सके तां सानूं जन्नत विच थां मिल सके।